हमारे चैनल। आज हम आपके लिए लेके आ गए एक टच लैंप पोर्टेबल, ये एक पोर्टेबल स्पीकर और एक टच लैंप भी है, देख सकते हैं। टच लैंप पोर्टेबल स्पीकर इसका नाम है, इसका मॉडल नंबर है CL671। ये नाइट लैंप की तरह यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप सॉन्ग देख सकते हैं, इसमें SD कार्ड लग जाता है, कॉलिंग हो जाता है और इसमें एक हैंगिंग की हुक भी दिया हुआ है। अगर आप इसको ट्रांसपेरेंसी ऐप से स्कैन करके इसके बारे में और फीचर्स के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। इसकी प्राइस यहाँ पर मेंशन की गई है 1200 रुपये, वही आपको अमेजोन पे 3000 के रेट में आपको मिल स्पीकर और बल्ब एक साथ। चलिए हम इसे ऑन करते हैं। इसे ऑन करने की स्विच यहाँ पे दी गई है, इसको ऐसे करते ही ये ऑन हो जाता है, ये ऑन होते ही ऐसा कुछ बोलता है। चलिए अब इसे हम ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते हैं। फोन से कनेक्ट हो गया तो मैंने पहले ही सेम फोन से कनेक्ट कर दिया था, इसे कनेक्ट कर दिया है। चलिए इसमें हम कुछ सॉन्ग्स प्ले करके देखते हैं। मैं अपना माइक यहाँ पे रख देता हूँ। हम DJ मोड पे कन्वर्ट कर गाइस, ये म्यूजिक को सुनते सुनते रिएक्ट भी करता है म्यूजिक के हिसाब से। मैं गाने को स्टॉप करता हूँ, आपको इस बारे में बताता हूँ। गाइस ये काफ़ी अच्छा है, इसका बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी देर तक चल जाता है।
गाइस अब मैं इस ऐप के बारे में काफ़ी सुना है, इसका बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है और ये तकरीबन 30 मिनट में फुल चार्ज जाता है ये, और यहाँ पे इसमें ऑफ भी लग सकती है नाइट लैम्प की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे रात में भी आपको यूज़ करके दिखाया है, तो आप वो देख लीजिएगा, मैंने वो क्लिप लास्ट में डाल दी है, तो देखना जरूर देख लिया उसका, आपको पता चल जाएगा इसकी लाइटिंग के बारे में। डे लाइट में तो इतना अच्छा ये वर्क नहीं करता है, पर नाइट लाइट में काफ़ी अच्छा इसकी लाइटिंग लगती है, काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है और इसके साउंड भी ठीक ठाक है, उतनी कुछ लाउड नहीं है पर ये अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोवाइड कर देता है आप सभी को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और देखते रहिए हमारा चैनल टेक अनबॉक्सर, और सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। मैंने इसे नाइट में भी ग्लो करके दिखाया है, ये अभी फेड मोड पे है, ये ऑटोमेटिक कलर अपने आप ही डेवलप होते रहता है, आँख में से चुभता नहीं है, देखिए अभी रेड हो गया। अब मैं आपको इसको दूसरा मोड में करके दिखाता हूँ, इसे मैंने अभी व्हाइट मोड पे करके दिखाया, ये अभी व्हाइट का सबसे लो वाला मोड है, आप देख सकते हैं अभी लाइटिंग कितनी आ रही है, और आप देखिए ये मीडियम हो गया इसका, काफी अच्छी लाइट ये थ्रो कर देता है। अब इसका एकदम सबसे डार्क हो गया, इससे डार्क ही नहीं हो सकता है। अब देखिए इसका हम डिस्को मोड ऑन कर देते हैं, इसका ये डिस्को मोड ऑन हो चुका है और ये गाने के साथ ही अपने आप लाइट रिएक्ट करता है, ये आप देख सकते हैं, ये अभी व्हाइट मोड पे जो रीडिंग मोड है इसका, तो ये अभी एकदम नॉर्मल पे है, तो फर्स्ट इसका ब्राइटेस्ट है। अब इसका मैं ब्राइटेस्ट मोड बढ़ाता हूं, देखिए मतलब आपके साथ ये मीडियम पे हो चुका है, इसकी लाइट है, ये मैं आउटडोर में कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, अभी अपना फुल पोटेंशियल पूरे पोटेंशियल पे है, ये देख सकते हैं कितने दूर तक काफी अच्छी तरीके से ये लाइट दे दे रहा है, यहाँ पे कोई और लाइट नहीं है। चलिए अब इसको हम डिस्को मोड पे गाइस, ये डिस्को मोड पे आ गया, देख सकते हैं किस तरह से आउटडोर में डिस्को मोड में लगता है, बैकग्राउंड में कुछ लाइट या सिग्नल की। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए हमारे नए वीडियो के लिए।